अभी तक हमने आपको दो कहानियों के बारे में बताया है, एक पिछले वीडियो में यूट्यूबर की कहानी बताई और इसके पहले कूपर की। लेकिन सच्ची कहानियों में लोग या तो बीमारी या पैसे के जुनून के कारण हादसों का शिकार बने और गायब हो गए। हालांकि ये नेक्स्ट कहानी में आपके मन में सतर्कता का विचार पैदा हो जाएगा। ये कहानी अमेरिका के एक नेशनल पार्क से शुरू होती है, जहां एक 6 साल का बच्चा कैंपिंग ट्रिप पर जाता है और लौटकर कभी घर वापस नहीं आ पाता। डेनिस लॉयड मार्टिन एक 6 वर्षीय लड़का 14 जून 1969 को अपने पिता विलियम मार्टिन और भाई डगलस मार्टिन के साथ ग्रेट स्मोकिंग माउंटेन पर एक लंबी ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए गया था। और ये परिवार हर साल की तरह इस साल भी परंपरा की तरह फादर्स डे मना रहा था। उनके साथ कुछ फैमिली फ्रेंड्स भी शामिल थे और वो मिलकर पहाड़ों की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। तभी बच्चों ने झाड़ियों में छिपकर अपने पेरेंट्स को एक प्रैंक करने का फैसला किया। इस शरारत के कारण पार्क के इतिहास में सबसे बड़ा खोज और बचाव अभियान शुरू हुआ। 3 बच्चे अपने पेरेंट्स से मजाक करने के लिए झाड़ियों में छिपकर उन्हें बुला रहे थे। वो अचानक हाथों में हाथ डालकर कूदकर अपने पेरेंट्स को डराना चाहते थे एक प्रैंक के तौर पे। हालांकि डेनिस उनके साथ मौजूद नहीं था। जैसे ही विलियम ने ये देखा, उसने बड़े कॉन्फिडेंस से डेनिस ऐसे आवाज लगाकर डेनिस को बुलाया। उन्हें सामने से जवाब की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सभी अडल्ट्स जल्दी से डेनिस को खोजने के लिए नेशनल पार्क के बीच चले गए और उसका नाम जोर जोर से पुकारने लगे। हालांकि पार्क में घंटों भटकने के बावजूद उन्हें कोई सुराग नहीं मिला और मौसम भी खराब हो रहा था और कुछ ही समय में तूफान आने वाला था। तूफान आने के बाद डेनिस के पैरों के निशान सहित सारे सबूत उस तूफान की वजह से साफ हो गए। 15 जून को 240 व्यक्तियों की एक सर्च पार्टी ने मिलकर डेनिस को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन इस सर्च पार्टी के पूरे जंगल में ढूंढने पर भी डेनिस का नामो निशान नहीं मिला। 20 जून तक यानी कि 5 दिनों में सर्च पार्टी में लगभग 800 लोग शामिल हो चुके थे, जिसमें कोस्ट गार्ड और नेशनल एयर गार्ड्स भी शामिल थे। जानकारी प्राप्त करने की आशा में मार्टिन के परिवार ने जो भी डेनिस को ढूंढ के लाए उसके लिए $5,000 तक का इनाम रखा था। लेकिन अफसोस, हर प्रयास नाकाम ही रहा और डेनिस का कहीं भी पता नहीं लग पाया। गुजरते हुए हर दिन के साथ ये स्पष्ट होता गया कि डेनिस अब लापता ही नहीं बल्कि शायद जीवित नहीं रहा। आज इस घटना को हाफ सेंचुरी यानी कि 50 सालों से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज तक किसी को भी डेनिस के बारे में पता नहीं चला है। डेनिस उस दिन स्मोकी माउंटेन्स में कहां गुम हो गया? क्या उसे किसी ने वहां से अगवा कर लिया? क्या किसी जंगली जानवर ने उसे जिंदा खा लिया? या फिर किसी तरह की नेचुरल कैलामिटी की वजह से उसकी मौत हो गई? कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि उस पहाड़ पर कैनिबल लोग रहते हैं, लेकिन इन बातों की अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। और गौर की बात तो यह है कि ना डेनिस के कपड़ों का कुछ सबूत मिला, ना उसकी बॉडी का। हालांकि मार्टिन की फैमिली ये मानती है कि उनके बेटे को किसी ने अगवा कर लिया था। इसी घटना के कुछ सालों बाद 1985 में मार्टिन्स के घर में एक रैंडम कॉल आया, जिसमें उन्हें ये बताया गया कि किसी ने उसी नेशनल पार्क में एक बच्चे का स्केलेटन लटकता हुआ देखा है। और उस कॉल पर रिस्पॉन्ड करते हुए जब वहां पर 30 रेस्क्यूअर्स पहुंचे तो वहां उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और आज तक ऐसा माना जाता है कि डेनिस वहीं है या नहीं, ये किसी को नहीं पता। तो ये थी कुछ ऐसी रहस्यमय घटनाएं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर इन सब लोगों का क्या हुआ। पूरी दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनका जवाब अभी तक किसी के पास भी नहीं है। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। गुड बाय।